के मस्तूत से हम लोग गुजर रहे हैं और शेंदूर की तरफ जा रहे हैं। शेंदूर से पहले लसपुर आएगा, वहाँ हमने स्टे कर रहा है। और ये चतराल से तकरीबन 109 किलोमीटर बना है, 109 किलोमीटर फ्रॉम चतराल, जहाँ से हमने पेट्रोल फिलअप करा था। और ये आप देख लें, यही कच्चा रास्ता है, कच्चा ट्रैक है ये, इस पे हम जा रहे हैं लसपुर की तरफ, लसपुर और शेंदूर। गोप्रो में चतराल से डायरेक्ट शेंदूर तो नहीं दिखाना, बनाए उससे बनाए ये। एक गाड़ी सामने से आती है तो रास्ता देना पड़ता है क्रॉसिंग के लिए। शेंदूर वाला रोड भी बन जाए तो कितना बेहतरीन हो जाए, और इतनी देर में तो आदमी मेरे ख्याल में पंडर पहुंचा हुआ। पहले पंडर पहुंचा हुआ, देखो एक और रास्ता भी बता रहा था, येलो मार्क भी बता रहा है। वो देखो मेरे ख्याल में वो है या क्या है, फिर भी कुछ भी हो कुम्हराड़ जैसा बदतरीन रास्ता नहीं है। नैरो है, ये आप देखो ना संदूर के इधर ही तो ये जंगलाती सा रास्ता है। पानी ही जंगल सा, ये सारा कुछ चंदूर 40 किलोमीटर। यहाँ से ये मैं फोटो लेता हूँ, जा बेटा हट जा। देखो अब कैसा
रूट ऑफ 40 किलोमीटर है। तो 40 किलोमीटर 20 के हिसाब से 2 घंटे लगा लो। शहदूर से फंडर, शहदूर से फंडर वही 2-2.5 घंटे। अगर फंडर आप पहुंचोगे तो आपको मगरिब होगी, जो मैंने आपको हिसाब बताया था। और फिर फंडर के बाद जो सारी सीनरी है वो आपकी अंधेरे में, तो आपको अंधेरे में तो पता ही नहीं है कि आप कौन से प्रोविंस में कौन से कंट्री में फिर रहे हो। ये बात है, तो आपकी सारी फुटेज रह जाती है। तो इसलिए तो मैंने कहा था कि फिर हमारा स्टे हो जाएगा लसपुर में। क्या है, जब आए हैं तो आराम से करो। ये जगह थी शहदूर से पीछे, और ये हम अभी मस्तूद से चले, तो मस्तूद से थोड़ा आगे क्या था, गोप्रो में रिकॉर्ड किया अस्तोर, पता नहीं समथिंग इसी तरह अस्तोर समथिंग इस जगह का नाम था। ये बच्चों ने इधर एक स्पॉट बनाया हुआ है, लड़के हैं दो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी हैं, सिटिंग का भी है। तो यहाँ बैठ के हमने खाना खा लिया, आलू की भुजिया टाइप, वो हम चित्राल से बना कर लाए थे, बेगम साहिबा ने बनाई थी, और पराठे लेके रख लिए थे वहीं से, बेहतरीन पराठे थे, बेहतरीन आलू, मज़ा आ गया। वो सारी फुटेज गोप्रो में मौजूद है। और अरमश साहब को हमने स्टिंग दिला दी, क्योंकि इनकी हिम्मत थोड़ी जवाब दे रही थी, तो इनकी चार्जिंग ज़रूरी थी। अरमश साहब ने स्टिंग पी ली, अब ये चार्ज हो गए, ये तो अब मजे दें, कह रहे हैं मैं तो गाड़ी के आगे भागता भागता शहदूर जाऊँगा, आप लोग पीछे पीछे आए। तो अब कहीं पे इनको गाड़ी से उतरा के ज़रा दौड़ाएंगे, देखेंगे धुआँ छुआ देते हैं नहीं देते। तो बाकी अब ये है कि बच्चियों ने 7-Up ले ली, बड़ा बेहतरीन चश्मे का पानी आ रहा था, टप था, उसमें पानी गिर रहा था। गिलगित कितना है, 250 तकरीबन ऐसे। अब यहाँ से ऐसा लगता है कि 250 है, कुछ है ही नहीं जी, जैसे पिंडी टू लाहौर समझो, अब 288 है ना वो। तो बस अब ये है कि यहाँ से हम लोग चले आगे लसपुर खर्चिंग में, वहाँ हमारा स्टे होगा, जल्दी हमें कोई नहीं है, इंजॉय करने निकले आराम आराम से, वरना चित्राल टू गिलगित वन गो में भी हो जाता, लेकिन क्या ज़रूरत है, आपको भी हम इंजॉय कराएं, दिखाते जाएं रास्ते की सीनरी वगैरह सब कुछ के जी क्या क्या है। और अगर आपको फुटेज में भी दिख रहा हो, ये डैश कैम कवर कर रहा हो, राइट साइड पे थोड़ी इसमें डेप्थ में दरिया बह रहा है, और ये ऑब्वियसली शहदूर से आ रहा है, और ये हम इस रोड पे जा रहे हैं टुवर्ड्स शहदूर पास, लेकिन अभी हमने खर्चिंग स्टे करना है। तो मज़ा आ रहा है, खाने का बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो आपको देखते रहिए, अपडेट आपको देते रहते हैं। लो जी, यहाँ से स्टार्ट हो गया है आगाज़ हुदूद थाना लासपुर। यहाँ तो देखो कैसा साफ क्रिस्टल क्लियर पानी है, तो बिल्कुल ये तो तुम गोप्रो से बनाते हैं ऐसे, जरा नीचे यूं करके बनाओ पानी की, नहीं नहीं ऐसे ही बना, मैं कर रहा था नीचे, ये नीचे व्हील के साथ जरा बाहर निकाल के दिखाओ। अब जरा पानी आप देखें कैसा क्रिस्टल क्लियर पानी है ये, बस ठीक है। बस ये वो शहदूर से आ रहा था जी, पहाड़ देखो कैसा है, कैसा पूरा बिछा हुआ जी, ऐसे जैसे कुछ वो गोप्रो में आएगा, ये आएगा, करेगा कैप्चर। और यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में पहाड़ देखे, पत्थर बिछे हुए हैं ऐसे जैसे किसी ने रेत का जैसे ढेर नहीं डालते कराची में, जो जी ये क्योंकि मकान बन रहा और रेत लाके डाल देते, वो देखो कैसा खूबसूरत दोनों तरफ पहाड़, हाँ ये खुश्क और इसके बीच में बैकग्राउंड पे एकदम से ग्रीन वो पैच है, और उसके साथ उसके बैकग्राउंड में पहाड़ दिख रहे हैं, बर्फ़ पड़ी हुई है उन पे,
ये रास्ता जा रहा है लसपुर टुवर्ड्स शेंदूर। यहाँ थोड़ा सा देखना है, इसमें से गुजरना है हमें। ये इधर पानी भी आता है ना अक्सर, वो है वीडियोस वगैरह क्रॉसिंग की ना। अच्छा, हरिपुर की है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कच्चे पहाड़ है हमारे लेफ्ट पे, पत्थर गिरने वाले। रास्ता ऐसा है कि डैश कैम भी खूब हिल रहा होगा फुटेज में, लेकिन क्या करें। लाहौर नंबर एज एक्सपेक्टेड, लाहौर नंबर सिटी। पिछला शीशा भी टूटा हुआ है, वो टेपे लगी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या क्या चीज है। साइड पे ये घर और ये देखो, बोले हमें तो जाने दे, वो अब अपने हिसाब से करेगा अभी।
शामिल उसने वो कर दी ही, उसने जगह बनाई हमारे लिए। वो देख रहे हो आप, वो आ रही है ऊपर से आ रही है। हाँ देख रहे हो पहाड़ के बीच से रोड बन रही है, सामने पहाड़ देखने कितना अच्छा है। सब यही है भाई, आप ये देखो ना, लोग बरसों से इस सिंदूर के लिए आते हैं। जी जी क्या करें, कर रही है शीशे में बताई जाती है। अब आप क्या करें, तुम्हारे तक मेरी साइड देखो ठीक है, आप देखिए पीछे मट्टी की मट्टी हो रही है। बुलडोजर की मेरे ख्याल में चेन टूट गई, चेन सही कर रहे हैं ये। और आप देख सकते हैं कैसी जगह है, कैसा टेरेन है, और हम लोग जा रहे हैं चतराल से शेंदूर की तरफ, और किलोमीटर बाय किलोमीटर नज़दीक होते जा रहे हैं शेंदूर साइड के। शेंदूर है 22 किलोमीटर यहाँ से, जा रहा है जिस पर से गाड़ी गुजरेगी। पानी की बोतल ना पड़ा, आवाज कलर्स देख रहे हो, ये ब्रिज है वुडन, आ रहा है अर्चिन जहां हमने स्टे करना है। उस तरफ भी देखो एक ट्रैक चल रहा है, बस काफी अब आगे बनाते हैं नजर आए आबादी तो।
अच्छा जी, होटल एंड ट्राउट फॉर्म, ये भी एक होटल है देख रहे हो। शाहजी गेस्ट हाउस, नीचे मैट्रेस है एक एक, बस वो मस्तूर जिला चित्राल परचीन। अब रास्ते में ऐसा नहीं जाएगा होटल का, उसने बताया था पुलिस चेक पोस्ट आएगी उसके साथ ही फिर मुड़ के ऐसे जाना उस तरफ से ही। ग्रीन बंदा देखो पानी आ रहा, ग्रीनरी आप राइट साइड पर देखो वो किधर है, कोई बंदा नजर आए ना तो फिर उससे पूछो। सब ये चीजें हैं ये जो यहाँ है सब। ट्राउट वो था वो कहीं भी नहीं है। वो ट्राउट फॉर्म वो रहा पीछे गया, नहीं इसमें नहीं है नक्शे में। वो बाइक खड़ी है शायद, बाइक है बंदा है क्या, गेस्ट हाउस के साथ इधर है ना इलाके वाले, इनसे पूछते हैं। हरचीन में है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ग्रीनरी है यहाँ पे, बहुत जबरदस्त। ग्रीन ये आ गया जी सराय शेंदूर और ये आ गया है सराय शेंदूर, उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, कैसे हैं? अल्लाह करम है। ये सराय शेंदूर होटल किस तरफ है? सराय शेंदूर बस इधर इधर जाना है जी जी। कौन सा वाला है बेटा? ये वाला है, ठीक है बड़ी मेहरबानी। से बनाओ ठीक
बन रही है खुद ही लग गई है। हाँ हाँ उतरो।